रोजगार। आज बेरोजगारी इतनी ज्यादा फैल गई है, बच्चे डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, और बिना रोजगार के घर का खर्चा नहीं चलता, घर कैसे चलेगा। बेरोजगारी आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या बन गई है। उसको दूर करने के हमने कई प्रयास किए। एक तरफ दिल्ली सरकार कई तरीके से कई लोगों को रोजगार दे रही है, सरकारी कई नौकरियां निकल रही हैं। हमने ढेरों मोहल्ला क्लिनिक खोले, उनमें लोगों को रोजगार मिला। हमने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज किया, उसमें लोगों को रोजगार मिला। हमने ढेरों नए स्कूल खोले, उसमें बच्चों उसमें युवाओं को रोजगार मिला। ढेरों रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जहां पे कंपनियों को बुलाया गया, युवाओं को बुलाया गया, वहां पे युवाओं को रोजगार मिला। जॉब पोर्टल बनाया गया, उस जॉब पोर्टल पे लगभग 10 से 12 लाख नौकरियां निकली, वहां पे बच्चों को रोजगार मिला। एक आकलन के मुताबिक पिछले 9 साल में लगभग 12 लाख युवाओं को दिल्ली के अंदर हमारे प्रयासों से रोजगार दिया जा चुका है। यह शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी क्लर्क पैदा करने के लिए। हमने दिल्ली के अंदर दिल्ली के स्कूलों में एक प्रयास किया, बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम का, एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस का। हमने 11वीं और 12वीं के बच्चों को बिजनेस करना सिखाया, उनको प्रोजेक्ट दिए, और आज आपको जान के ताज्जुब होगा कि लगभग 2.5 लाख बच्चों की 50,000 टीम्स दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अलग अलग अपने अपने आइडियाज के ऊपर काम कर रही है। छोटे छोटे बिजनेस शुरू करे उन्होंने, 50,000 टीम्स ने, 2.5 लाख बच्चों की 50,000 टीम्स ने छोटे छोटे आइडियाज उन्होंने शुरू किए। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आज अगर आप सरकारी, हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों से पूछो, हर बच्चा आपको यही कहेगा कि मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी देने वाला बनूंगा, नौकरी लेने वाला, नौकरी मांगने वाला नहीं बनूंगा। हर बच्चा इस भावना से भरा हुआ है। अब हमें ये बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम कॉलेजों के अंदर शुरू करेंगे इस साल से। इस साल बजट के अंदर उसका प्रावधान किया जाएगा, और कॉलेज से पास आउट होने वाले बच्चों को ये प्रोजेक्ट शुरू करने की प्रेरणा दी जाएगी कि पास आउट होने के एक साल पहले से आप कॉलेज में रहते रहते अपने छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज के ऊपर काम करना चालू करो। एक टीम अगर एक बिजनेस आइडिया पे काम करती है तो कम से कम 8 से 10 और बच्चों को नौकरी देती है। अगर हमने ये भावना बच्चों में भर दी कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे धंधा करना है, निकलने के बाद मुझे नौकरी मांगनी नहीं है, मुझे नौकरी देने वाला बनना है, मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर रोजगार की समस्या दूर हो सकती। एक और बात है, अक्सर हम सुनते हैं भारत को हमें $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, भारत को हमें $4 ट्रिलियन बनाना है, भारत को हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। बहुत अच्छी बात है, हमें भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहिए। लेकिन अगर उस 5 ट्रिलियन में से 4 ट्रिलियन एक ही आदमी के पास होंगे और 1 ट्रिलियन 140 करोड़ लोगों के पास होगा, तो सारा देश तो गरीब रह जाएगा, एक ही आदमी अमीर बनेगा। उससे तो लोगों को, बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, उससे तो देश की तरक्की नहीं होगी। तो हमें ऐसा करना है कि हमें देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बनाना ही है, लेकिन हमें ऐसा विकास करना है कि वो $5 ट्रिलियन 140 करोड़ लोगों के पास पहुंचे। वो एक आदमी या दो आदमियों के पास नहीं रहने चाहिए। 75 साल के अंदर हमने अपने देश के अंदर ऐसा विकास मॉडल किया, ऐसा विकास का मॉडल लागू किया है कि कुछ चंद लोग, हमारे देश का सारा विकास से कुछ चंद लोगों का फायदा हो रहा है, बाकी सारा देश गरीब रह जाता है। इकोनॉमिक्स के अंदर एक थ्योरी बताई जाती है, ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब होता है कुछ लोगों को अमीर बना दो, फिर वो अमीर लोग फैक्ट्री खोलेंगे, उसमें बाकी सब लोग मजदूरी करेंगे, तो उससे धीरे धीरे ट्रिकल बूंद बूंद करते करते अमीरों से गरीबों तक पैसा पहुंचना चालू होगा। कभी नहीं पहुंचता, 75 साल में तो नहीं पहुंचा। अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होता गया,
ट्रिकल डाउन थ्योरी नहीं हो रही, ट्रिकल अप थ्योरी हो रही है। गरीबों का पैसा अमीरों के पास पहुंच रहा है, अमीरों का पैसा गरीबों के पास नहीं पहुंच रहा। हमें ऐसा विकास का मॉडल चाहिए कि सीधे पैसा गरीब के हाथ में जाए। जब पैसा सीधे गरीब और मध्यम वर्ग के हाथों में